मॉर्निंग फ्रेंड्स, नया दिन, नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। कैसे हैं आप सब? रोज नए दिन के नए प्लान्स होते हैं, तो आज अभी तो घर के सारे काम हो गए हैं और थोड़ा सा रेस्ट है, तो अभी रेस्ट करके मैं सोची हूँ कि गर्मी ज़्यादा है तो मैं क्या पहनूँ, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं आम महोत्सव में। हाँ जी, मैंगो का एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ की 100 तरह के मैंगो आए हुए हैं और उनके प्रदर्शन में हम लोग जा रहे हैं देखने, जो अच्छा लगेगा वो लेंगे। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए सोची हूँ कि थोड़ा लाइट कलर की आज ड्रेस पहनूँ। और मुझे अपनी कबर्ड खोल के मैं ड्रेस ढूँढ रही थी और मुझे ये मिल गई, चॉकलेट्स। तो अब मैं पहले इसे खा लूँगी और उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग करूँगी। तो चॉकलेट आइसक्रीम मेरी सहेलियाँ, लीजिए आप भी खाइए पहले। तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं आपको सीधे आम महोत्सव में। कल मुख्यमंत्री जी ने हमारे आके उसका उद्घाटन कर दिया और आज से शुरू हो गई है उसकी दर्शनी। मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा आउटफिट। मैंने वाइट कलर की कुर्ती पहनी, पिंक दुपट्टा लिया क्योंकि बाहर वाकई धूप बहुत तेज़ है और इससे ज़्यादा कूल कलर कोई दूसरा नहीं है। तो मैं चलती हूँ अब आम महोत्सव में। हाँ जी दोस्तों, निकल पड़े हैं हम लोग आम खाने। और कितनी तरह की आम है कुछ पता नहीं है, बहुत सारे लोग, कोई 100, कोई 700, 1000। और आम, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो फ्लेवर की बहुत सारी डिशेज ऐसा सुनने में आ रहा है, जाके देखेंगे। और सब लोग रेडी हो गए, ये तो मैंगो कलर की ड्रेस पहन ली है और सब बाकी छोटे बेबी, और देखो ये छोटा बेबी भी है। हेलो, क्या खाना है? मैंगो। तो सब मैंगो पार्टी के लिए रेडी। मैडम आपको क्या खाना है? मुझे बहुत सारे आम खाने। उस दिन इन्होंने, हम लोगों ने इनको बहुत मिस किया और आज शिखा मैडम को मिस कर रहे हैं। अच्छा, वो आगे से है बदलिया योजना, कौन से? हमको हमारा भाई इधर ही रहता है। पहुंच गए आम महोत्सव में, अब देखते हैं अंदर कहाँ है। अच्छा, ये डिब्बे में मिल रहा है। कुछ देखिए, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पहले फोटो खींच लेते हैं कि आम महोत्सव के सामने का डेकोरेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अवध शिल्प ग्राम, केसर आम। अच्छा, वो आम कुछ एकदम स्पेशल बताइए जो आपको नॉर्मली मार्केट में हम लोग को ना मिलता हो, आप लोग लेके आए हो। नहीं, आप जो छिलका कह रहे हैं इसका पतला होता है, तो ये आम हम लोग लाते नहीं, सफेदा करके शायद बोलते हैं, चौथा सफेदा। अच्छा, वो ये होता है। ये कितने रुपए किलो है? नहीं तो बाहर वाला आम नहीं चाहिए, बाहर का क्या फायदा, जो स्पेशल है। जैसे ये तो अपने बाजार में भी मिल जाता है। हाँ, जो मार्केट में हम लोग को नॉर्मली नहीं मिलेगा वो बताए। ये केसर आपको नहीं मिलेंगे, और ये आम्रपाली लगी है, उसके बगल में केसर, वो चौथा लगा है, चौथा तो मिल जाता है। ये आम्रपाली है। अच्छा, वैसे केसर लूंगी बाद में। ये क्या नाम है इस मैंगो का? ये चौसा है। और चौसा, चौसा तो मिल जाता है बाहर, असल में हम लोग वो चाह रहे हैं जो बाहर ना मिले आसानी से, क्योंकि कुछ डिफरेंट ही यहाँ पे अच्छा लगेगा ना। ये तो पेड़ सही थे। अरे वाह, ये सबसे खूबसूरत लग रहा है। पूरी उसकी डाल नहीं, पेड़ की जो डाल थी वो निकाल ला है। नहीं नहीं, बांध दिया है, बांध दिया है। अच्छा, मौसम भी लेकिन अब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, 4-5 बजे तक लग रहा है अच्छी खासी, हाँ बारिश हो जाएगी। उस बार भी ऐसे मौसम अच्छा हुआ था उस दिन। नहीं, अपना किसी मशीनों का आया था। बिजली से चार्ज, बैटरी नहीं है, सोलर। मौसम बहुत सुहाना हो गया अचानक से। हम लोग जब भी कहीं निकलते हैं तो मौसम खूबसूरत होता है, पहले बहुत धूप थी और अब अचानक से देख रहे हैं कैसा मौसम हो गया और सब कितना अच्छा लगने लगा। मन कर रहा है कि सारे आम ले लें, आम इतने सारे हैं। हाँ, मैंगो की पोएम आती है ना, इसीलिए मैंगो अभी नहीं मिला अभी तक। तुमने कोई मैंगो पे पोएम गाई ही नहीं? अरे कारपेट वारपेट भी है, पूरा महोत्सव ही लगा दिया है शिल्पग्राम।
अरे उधर कोई प्रोग्राम भी हो रहा है क्या? उधर देखिए, किधर चल रहे हैं वो, ईगल पे फोटो खिंचा लें। रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, याद आई वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने, हाँ हाँ, रूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। टनंग 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 टनंग, अरे झूला मत तोड़ो प्लीज सखियों, ए सखिया ये दो। अरे वो एक देखिए दी, आप भी झूला झूल रही हैं और जोर जोर से झूलिए। तो अभी किसी को सावन के गाने नहीं याद आ रहे हैं, झूले के गाने नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी सावन आया नहीं। तो क्या वो मौसम तो आज आ गया है और झूले का गाना तो गाओ ना। तुम झूलो आके, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे वन माला चे मोर। बहादुर बच्ची ने हाथ में क्या पकड़ा है? आ, मुझे बहुत डर लग रहा है, सीरियसली एकदम रियल में रियल है ये। अरे बच्चा तुमने तो बहुत इंडिया गॉट टैलेंट में चली गई तुम तो। जी भैया को ठंडी ठंडी और बहुत अच्छी अच्छी बनाइएगा, कि पी के आदमी अंदर ठंडा हो जाए। झूलने के लिए मौसम अच्छा हुआ था, उसके बाद फिर से हो गया, लेकिन अब हम लोग पीने जा रहे हैं ठंडी ठंडी शिकंजी। और इतना अच्छा लग रहा है आज की पूछे नहीं, मतलब आज हम लोग कुछ डिफरेंट जगह निकले हैं और मजा आ गया। लेकिन धूप तुम्हारे डाल रही, लेकिन धूप मारे जा रही है, आंखों में पसीना जा रहा है, बिल्कुल चिलचिला रही आंखें। मिले पिलाइए नींबू पानी। शिकंजी का सबसे अच्छी पीनी इंदौर में, हां वैरायटी मिलती है जैसे कहीं ना। नींबू नमक और वो सोडा डालते हैं और काला नमक चीनी यही होता है, बाकी फ्लेवर आप जो कहिए फिर आगे वहाँ पे वो डाल देते होंगे। लेकिन मैडम आप लोग जहाँ भी पीती होंगे उससे बेटर पिलाएंगे आप। तो आप इसमें क्या ऐसा डालना है जो बेटर हो जा रही है? ये मैम मसाला है, नींबू मसाला। तो मसाले में क्या क्या है? मसाले में जलजीरा है, काला नमक है, हींग है। कैसे दिया ये? 50 रुपीज़ बन। नहीं नहीं दीदी खाएंगे थोड़ा ठंडा हो जाए बस, सभी खाएंगे पूरे लोग खाएंगे। हाँ बस यही भी नहीं, धूप धूप थोड़ा सा हट जाए बस। अच्छा तो है, सब लोग इस गर्मी की धूप में बस ठंडा पानी मिल जाए बहुत है। तो ये कहाँ मिलेगा जो चाहिए हमें इसमें से? ये उद्यान विभाग उत्तराखंड से आया ना। हाँ हाँ, हमारे यहाँ पौधे मिलते हैं। आप पौधे लेके आए हैं? मतलब नहीं, डिस्प्ले लाए हैं, पौधे वहाँ मिलते हैं। नहीं मुझे ये करिए मैंगो चाहिए, तो ये मैंगो कहाँ से लूँ? नहीं मैंगो तो नहीं मिलेगा वहाँ, भी नहीं मिलेगा वहाँ पर, ये नहीं वैरायटी। वही तो हम लोग पूरा वो देखा है ये सब वैरायटी नहीं, तो सिर्फ लचवाने के लिए थोड़ी आए हम। ये देखिए कितनी खूबसूरत मैंगो, जैसे लग रहा है बनाए हुए हो। उसने आ रहा जैसे कोई मिट्टी का बनाया हुआ हो। हाँ बेटा तो ऊपर से कितने टाइट है। मोहन भोग नीलम तो बाहर मिल रहा था यार, ये होगा बाहर भी होगा, ऐसा नहीं है नीलम तो था बाहर। ये फसली, ये तो बड़ा है। नाम नाम इस पे फसली आम है ये, और सारे आम वो अभी आगे अभी बहुत सारे हैं। मैं झुकेगा नहीं। ये देखिए ये सर आमों की तो कुछ है ही नहीं कि कितने सारे आम है यहाँ पे। अरे आइसक्रीम भी आ गई, ये देखिए इतनी सारी आइसक्रीम लेके आ रही है मैडम, अभी तो शुरुआत हुई है। मैंगो आइसक्रीम, वाह यार ये मैंगो आइसक्रीम, मैंगो के बीच में मेरे पास है बच्चे। सब लोग आइसक्रीम का आनंद लेते हुए मैंगो आइसक्रीम और
कैसी है? बहुत अच्छी है। आज का गर्मी में तो बहुत ही ठंडी ठंडी अच्छी लग रही है। और ये मैंगो, अब मैंगो कलर मेरा, हाँ वही तो मिक्स हो गई है, मतलब आइसक्रीम और मैंगो और ये कुछ पता नहीं। और लोग खाए दीदी वो, हम लोग ये गोलगप्पे के पास खड़े हैं क्योंकि गोलगप्पे दे के खींच के आ जाते हैं। सबके हाथ में बाउल आ गया। भैया हम लोगों को भी दे दीजिए। प्रीति आओ। गांव के खा पी के अब थक के बैठ गए, अब ठंडी हवा खा रहे हैं। प्रीति डांस सिखाओगी? सब खाने के बाद अब ठंडी हवा खाई जा रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए बीच बीच धूप आ जा रही है तो घूमने का मजा थोड़ा सा वो हो जा रहा है। इतनी भयानक सूरज की धूप। हाँ ये है कि काले काले बादल। यहाँ पे म्यूजिक शो चल रहा है, बैंड वाले लोग अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी म्यूजिक बज रही थी और चेक हो रहा है अभी तो अपनी अपनी कुल्फी खाते हुए भरपूर ठंड का आनंद लेते हुए अभी जा रही है कुल्फी के बारे में। और मैं भी भरपूर आनंद लेते हुए, गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन कुल्फी और पंखे ने थोड़ा सा बचाया है। हाँ कुल्फी के वापसी होना है। मैंगो खरीद लिया, मैंगो ट्री भी खरीद लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई और मैंगो बाइट भी ले लिया, कुछ स्पेशल चीज़ें वो बनी हुई। और अब कार में बैठ कर हम लोग ढोकले खाने जा रहे हैं क्योंकि ढोकले भी हमारे उसका घूमने का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर हम लोग घूमने निकले हैं तो ढोकले तो जरूर खाएंगे। ये देखिए लज्जतदार मजेदार सबके मन पसंद का ढोकला। अरे तो इनकी ये देखिए जरा, आप पूरे डिब्बे को लेके अकेले बैठी हुई हैं। ढोकला लवर, ढोकला लवर बिल्कुल। ये देखिए स्नेक, ये भी बाइट करेगा। मतलब बच्चों ने भी क्या पसंद किया है। जी घर आ गई हूँ और बहुत मज़ा आया। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन और अभी इसी में कुछ कूल लग रहा है, गाड़ी में लग रहा था, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा बहुत आया।
और दोस्तों के साथ वैसे भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन आम मौत से घूम के कुछ अलग ही लगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या खरीदा है। ये है मक्खन आम, इसके नाम है मक्खन प्रजाति का, बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए ये, और बहुत मीठा होता है। और ये है मोहन भोग, और ये काफ़ी मतलब कड़ा कड़ा स्ट्रॉन्ग आम है। और ये है मल्लिका, इसका नाम है मल्लिका, ये भी रेड रेड है और थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। ये बहुत मीठा होता है, ये भी बहुत मीठा होता है, बिल्कुल मक्खन जैसा, बिल्कुल सॉफ्टी सॉफ्टी अंदर से है ये, और ये बहुत मीठा है। देखिए ये है मैंगो बाइट, ये सिर्फ मैंगो पाउडर और मिल्क पाउडर से बनी हुई है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। तो ये मैंगो बाइट बहुत अच्छी है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी इसलिए मैं इसको ले ली। बाकी से मैंगो है और एक आम रूपाली का मैंने प्लांट लिया है, क्योंकि घर में भी आम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत थक गई, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दी, जो सब मिलकर हम लोगों ने ये एक प्लान बनाया तो बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक आपको क्या करना है, आपको मेरे ब्लॉग को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि आप बहुत स्लो मोशन में कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, खूब सारा सब्सक्राइब करिए। तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।